जिस तरह से 25 नवंबर को देखते हुए अयोध्या में माहौल गर्मा चुका है, क्या कुछ प्रशासन यहाँ पर कदम उठा रहा है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? देखिए, हमने आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, कल शिवसेना के नेशनल लीडर आ रहे हैं और उसके बाद परसों हमारा धर्म सभा है जी, उसके आयोजन को लेकर हम लोग सबों ने सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था कर रखी है जी, और हमारे ऑफिसर्स वहां पे हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं जी, हम लोगों ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आलोक में वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा जी, और किसी भी प्रकार की असुरक्षा की भावना हम नहीं होने देंगे। किस तरह से यहाँ पर कंपनियों की तैनाती की गई है, वरिष्ठ और अनुभवी अफसरों की तैनाती तो की गई है, लेकिन फुल प्रूफ प्लान क्या कुछ है प्रशासन का इसे तमाम आयोजन को लेकर? प्लान है जो आप फुल प्रूफ प्लान है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और वो हमारी पूरी व्यवस्था है। बस आप इतना ही अपील करें हमारी तरफ से कि लोग सुरक्षित महसूस करें, कोई घबराने की बात नहीं है, सुरक्षित महसूस करें। पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं, हमारे ऑफिसर्स, लोकल ऑफिसर्स, बाहर से आए हुए ऑफिसर्स सब वहां तैनात किए गए हैं और हम लोग सबों की नजर वहां पर है। हमारा कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहा है और सभी चीजों पर नजर रखी जा रही है जी। जिस तरह से अयोध्या के लोगों की बात करें, भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही है, उनके मन में भी तमाम शंकाएं हैं, तो उनको किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट हम बहुत अच्छी ढंग से कर रहे हैं जी। हमारे ऑफिसर्स जो हैं, कहाँ रेगुलेशंस होना चाहिए, कहाँ पे रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए सभी चीजों पर हम नजर रखे हैं और जहाँ जहाँ रेगुलेटेड एरिया है वहाँ रेगुलेशंस किया जाएगा और जहाँ पे आयोजन सभाओं का है और धर्म सभा का है वहाँ पर भी पुलिस की व्यवस्था की गई है जी। और सभी शहर के अन्य भागों में भी हमारी टुकड़ियां लगी हुई हैं, हमारी बैरिकेड्स लगे हुए हैं, हमने पूरे शहर को सेक्टर्स में, जोन्स में बांट रखा है। सभी के इंचार्ज जो है वो क्लस्टर्ड ऑफिसर्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति हो चुकी है और सभी चीजों की व्यवस्था की गई है और वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और SSP जो है सभी चीजों पर अपनी नजर रखे हुए हैं जी। लेकिन अगर किसी भी अनहोनी की आशंका होती है तो उसके लिए फिर बैकअप प्लान भी बहुत जरूरी होता है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रशासन? देखिए, बहुत सी चीजें आपको डिटेल्स में हम टेलीविजन पे नहीं बता सकते हैं, हमारी सारी व्यवस्था की गई है, हमारे पास कॉन्टिजेंसी प्लान भी है जी, और सब चीज की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ब्लैक कमांडो की भी तैनाती की गई, सेक्टर और जोन में अयोध्या को बांटा गया है, तो क्या यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों से भी संपर्क साधा गया है, उनसे भी किसी तरह के दिशा निर्देश मिल रहे हैं? नहीं, राज्य सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है और हम लोग जितनी भी जो भी कानून के दृष्टिकोण से और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल जो भी होगा वो हम लोग करेंगे। ओपी सिंह जी, तमाम जानकारी देने और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे DGP ओपी सिंह जो बता रहे थे कि अयोध्या को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं पुलिस प्रशासन की ओर से, किस तरह से फुल प्रूफ प्लान यहां पर बनाया जा चुका है, अयोध्या की सुरक्षा को लेकर कमांडो तैनात रहेंगे।